तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए सिटी 125X, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। और ये बाइक मतलब अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूनिकली फॉल करती है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए ना तो इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि एक 100cc के प्राइस में आती है और 125cc हमें बजाज प्रोवाइड करता है, तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो कोई नहीं है। बट अगर आप ऐसे देखना जाए तो SP125 और रेडर एक ऑप्शन बन सकते हैं, बट उनकी प्राइस और इसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, जो कि हमारे पास आज ड्रम वेरियंट है, तो 71,500 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और वहीं अगर डिस्क वेरियंट की मैं बात करूँ तो 74,500 रुपीज़ इसका डिस्क वाले की प्राइसिंग है। तो अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए तो आपको थोड़े 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप रूरल इंडिया से हैं जहाँ पे रोड्स भी नहीं है ना, तो ये उसके लिए बनी है, क्योंकि आप देख सकते हो गाड़ी में मजबूती पूरा लोहा लगा हुआ है। आजकल के जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक वाले पार्ट नहीं है इसमें मतलब आप किसी भी जगह ठोकोगे, ये देखो यहाँ आपको पूरा लोहा पूरा मेटल मिलेगा। हर जगह पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको हुक्स वगैरह मिल जाएंगे, पीछे लगेज कैरी करने का स्पेस मिल जाएगा। तो अगर आप गाँव से हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको 4 लोग बिठाने ना, आराम से बैठेंगे इस पर और गाड़ी दम भी भरेगी। 125cc का बजाज का इंजन है, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ 125cc का इंजन, मुझे मालूम है दम भरता है। तो ये तो हो गई इसकी बात, ये सब चीज़ें समझेंगे अपन डिटेल में। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले, 100-150 बाकी है इस वीडियो के एंड तक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हो भी जाएंगे। तो चलिए समझते सब चीज़ों को डिटेल में। सो गाइज, ये आप देख सकते हो, पहले मैं आपको इसकी चारों साइड की प्रोफाइल चेकआउट करा देता हूँ। फ्रंट में आप देखोगे तो राउंड शेप में हमें हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा वॉइज़र पे इन्होंने DRL वगैरह देके कुछ लुक को एनहेंस करा गया है। यहाँ से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की दिखती है। ब्लैक पे यहाँ पे हमें ग्रीन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा मैंने रूरल के हिसाब से बताया तो उन लोगों को काफ़ी पसंद आती है ये चीज़ें। यहाँ पे 125X की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमें लगेज रेक मिल जाता है, जिस पर आप काफ़ी हैवी मतलब बहुत स्टर्डी लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेट इसमें कैरी कर सकते हो। इस साइड से भी आप प्रोफाइल चेकआउट करोगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब इन्होंने किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करा है, जितना सफिशियंट है एक रूरल इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि अर्बन में इसे कोई ज़्यादा परचेस करेगा। अर्बन के हिसाब से फिर SP125 और राइडर पे ही लोग जाएंगे, बट रूरल इंडिया में लोग इसे लेना पसंद करते हैं। CT 100 भी जब आती थी तब भी वो दबा के बिकी है, और आज भी मतलब वो इस अच्छी कंडीशन में रख रखी कुछ लोगों ने, और वो काफ़ी अच्छा चलती भी है, तो उनको मालूम है, तो जो पहले से ऑन करते हैं वो डेफिनेटली इसको खरीदेंगे। ब्लैक डाउट फिनिश में हमें इसका इंजन देखने को मिलता है, 125cc के साथ आ गया, तो अब ये भी काफ़ी पावरफुल हो गया है। और गाइज, मैंने CT 100 की एक बात नोटिस करी है, जो दूध बेचने वाले रहते हैं ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है इसको, कुछ तो बात होगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी मजबूती मिल जाती है हमें हर जगह। मेटल ये आप देखोगे, ये सब ये तो फाइबर का ही रहता है वैसे, ये मेटल सब मिल जाता है यहाँ पे, सब लगेज कैरी करने की, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है उन लोगों के लिए, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, तो इसलिए वो लोग शायद इसको यूज़ करते हैं। अब एक एक चीज़ को आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको एक ब्लैक कलर का वॉइजर देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब ठीक है, एस्थेटिक अपील थोड़ी सी बढ़ा रहा है। यहाँ पर नंबर प्लेट माउंट करने की स्पेसिंग मिल जाती है। इस साइड आप देखोगे तो आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं, तो कि डिसेंट है, अभी मैंडेटरी भी हो गए हैं। यहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन मिल जाते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, जो बजाज की सारी गाड़ियाँ पल्सर और डिस्कवर वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें नॉर्मल सा हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है, जो कि डिसेंटली पावरफुल है, और इसके ऊपर ये 2 मेटल की स्ट्रिप लगाई गई है, उसका रीज़न पता नहीं क्या लगा होगा बजाज को। यहाँ पर हमें मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि मैट फिनिश में है, अच्छा लग रहा है देखने में। इधर अब मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो शॉकअप पे इन्होंने कवर लगाया है, इससे ही ये प्रूव हो जाता है कि ये गाड़ी उन एरियाज में चलने के लिए बनी है जहाँ पे सड़क तक नहीं है, तो फिर वहाँ पे डस्ट उड़ती है और उससे शॉकअप की सील टूट जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा वर्चा आ जाता है। तो इसलिए कंपनी ने पहले से प्रोटेक्शन दे रखा है कि भैया उनको मालूम है ये गाड़ी कहाँ बिकेगी, तो उस हिसाब से उन्होंने ये कवर दे रखा है ताकि शॉकअप्स की लाइफ ज़्यादा चले। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, MRF का टायर मिल जाते हैं, 80 सेक्शन का टायर हमें इसमें फ्रंट में देखने को मिलता है। टायर गाड़ी की प्रोफाइल के हिसाब से डिसेंट है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, डिस्क का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। खैर, इसमें शायद CBS लगा हुआ है, 2 यूज़ करे गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, बट मैं जितना देख के बता पा रहा हूँ 170mm प्लस की ही ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। मेटल का गार्ड मिल जाता है, तो वैसे तो क्रैश होना नहीं है, पर अगर इनकेस क्रैश होता भी है तो इंजन प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लेग गार्ड मिलता है, उस पर भी आपको कुछ अलग सा ट्रीटमेंट करा हुआ दिया गया है। और फुटपैक्स वगैरह की बात करूँ तो बहुत स्टर्डी क्वालिटी के बनाया, मतलब बेसिक रखा गया है बट अच्छी क्वालिटी का है। किक का ऑप्शन हमें मिल जाता है, सेल्फ के साथ आती है ये, तो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। इनके साथ की बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे लंबा सा एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल जाता है। इधर आप बात करेंगे तो 125X की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये ग्रीन कलर के स्टिकर अच्छे लग रहे हैं, मतलब लिटरली बाइक अच्छी लग रही है इसमें।
यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्वीटी की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमें थाई गार्ड देखने को मिल जाता है, जैसा कि टीवीएस के रेडियन में आता है, थोड़ा सा मुझे उसकी याद दिला रहा है। यहाँ पे हमें ट्विन शॉक एब्जॉर्वर देखने को मिल जाते हैं। मोनोशॉक इस सेगमेंट के हिसाब से सही है भी नहीं, क्योंकि ये सस्पेंशन थोड़े ऐसे रोड पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो ये एक अच्छा डिसीजन था कंपनी का। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अपोजिट साइड, मतलब उस साइड इस टाइप का लेग गार्ड मिलना, सॉरी फुटरेस्ट मिलना कॉमन है, बट इस साइड मैंने किसी भी गाड़ी में ये वाला लेग रेस्ट नहीं देखा है। सो गाइज, अब बात करें अगर इसके इंजन के बारे में, तो इसमें हमें 124.4 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि एक 4-स्ट्रोक इंजन है, एयर कूल्ड इंजन। और इसकी मैक्स पावर की अगर मैं बात करूँ तो 10.9 पीएस की मैक्स पावर देता है, और मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है 11 NM का करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। टॉर्क प्रोड्यूसिंग मोटर है अगर इस हिसाब से हम देखा जाए तो। तो ये घाटी वगैरह चढ़ाना, आप वेट कैरी कर रहे हो, तो ये उस हिसाब से बनी हुई है, तो उस हिसाब से इसमें टॉर्क दिया गया है। सो गाइज, अब अगर मैं बात करूँ सीट की, तो जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट आप इजीली देख सकते हो 3-4 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, जो कि गांव वाले जिस हिसाब से यूज़ करते वैसी है। और सीट काफ़ी कुशनी रखी गई, मतलब इसको हार्ड साइड पे नहीं रखा गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सीट। और इसमें सेल्फ पैटर्न दिया गया है, जिससे कि मतलब आप थोड़ी लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आप उसमें भी कम्फर्टेबल रहें। यहाँ पर भी 125X की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रैब रेल आप देख रहे हो, यहाँ से शुरू होता है, आपको यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, या आपको यहाँ पकड़ना, आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि आप इतने लोग बिठाओगे कि सबको ग्रैब करने को चाहिए रहेगा कहीं कुछ ना कुछ तो। और ये रेक मिल जाती है, इस पर आप आराम से मतलब 30-40 केजीज का तो बोरा वगैरह रख सकते हो। रियर की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन एंड बेसिक सिंपल रखा गया है। हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है हमें रियर में, हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, टूटते नहीं है आसानी से। यहाँ पर नंबर प्लेट माउंट करने की स्पेसिंग, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और ये फाइबर का पार्ट है, बट ठीक है, स्टर्डी लग रहा है, ऐसे एकदम तो नहीं टूटेगा। रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो MRF नाइलो ग्रिप का हमें टायर देखने को मिल जाता है, और 100 सेक्शन का टायर है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है। चेन हमें कवर के साथ मिलती है, तो जल्दी गंदी नहीं होगी, वो रूरल के हिसाब से ही बनाई है उन्होंने, बिल्कुल वैसा रखा है। स्टैंड हमें इसमें मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि कंपनी आजकल इसको स्किप कर देती। बस इसमें एक बात मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि बजाज अभी भी ये अलग गियर पैटर्न क्यों दे रहा है नॉर्मल गाड़ियों में, कि न्यूट्रल पीछे है, 5 गियर की गाड़ी और 4 गियर नीचे डलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। आजकल कोई भी कंपनी नहीं दे रही, तो बजाज को इस चीज़ में थोड़ा सोचना चाहिए और चेंज करना चाहिए। और इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है। जब अगर बात करें इसके मीटर क्लस्टर के, तो बहुत ज़्यादा प्लेन बेसिक एंड सिंपल रखा गया है। एनालॉग मीटर क्लस्टर हमें इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, इधर फ्यूल गॉज मिल जाता है, बजाज की ब्रांडिंग, थोड़ी सी टेलटेल लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे की प्लेसमेंट मिल जाता है, हैंडल बार हमें नॉर्मल मिलता है, इसमें थोड़ा सा ये एडिशनल एलिमेंट्स दिए गए। बट एक अच्छी बात जो मुझे लगी, यहाँ पे हमें ना इसमें चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, जो कि इससे थोड़ी ऊंची सेगमेंट की गाड़ियों में भी नहीं मिलता है, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है बजाज को। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट क्लच फील मिलता है, इधर पास का स्विच, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर का स्विच, उसी के नीचे ये हॉर्न है गाड़ी का, ठीक है गाड़ी के हिसाब से। इधर DRL की इंटेंसिटी एडजस्ट करने के हिसाब से, या पता नहीं हेडलैम्प का है, उसी के नीचे सेल्फ का स्विच है, और कुछ इस तरीके से रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बस यही था मेरा रिव्यू इस गाड़ी को लेके। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, प्राइसिंग कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताओ। और वही बोलूँगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।